देखिए, ये जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं मध्य प्रदेश के लिए, उनको बहुत बड़ी जीत है कि अभी भी कोर्ट ने ये माना है कि रिजर्वेशन ओबीसी का मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 14% ही रहेगा, इसको 27% सरकार नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन मामले की सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। फिलहाल किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश हाईकोर्ट के द्वारा पारित नहीं हुआ है। कोर्ट अब इस मामले का अंतिम निराकरण करेगा, यानी कि हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक जो लगी हुई थी वो फिलहाल बरकरार रखी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाईकोर्ट में वो सरकार का पक्ष रख रहे थे। 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया की अनुमति की मांग भी रखी गई थी और अंतिम सूची न्यायालय के अधीन रखने की मांग भी की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग से फिलहाल इनकार कर दिया है। देखिए, ये जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं मध्य प्रदेश के लिए, उनको बहुत बड़ी जीत है कि अभी भी कोर्ट ने ये माना है कि रिजर्वेशन ओबीसी का मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 14% ही रहेगा, इसको 27% सरकार नहीं कर सकती। मैंने तीन याचिकाओं में, जो तीनों लीडिंग याचिकाएं हैं, इसमें लगभग 15 लोगों के लिए मैंने जो बहस की है आज, मैंने यही कहा है कि 19/3/2019 को जब डिवीज़न बेंच के सामने मैंने आर्ग्यू किया था, तो ये सब चीज़ें ले ली गई थी जो आज सॉलिसिटर जनरल ने वेकेटिंग स्टे पे आर्ग्यूमेंट के दौरान उठाई, और इसलिए कोर्ट ने वेकेटिंग स्टे की जो एप्लीकेशंस हैं वो खारिज की हैं और ये कहा है कि नहीं, अभी मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन जो है वो 14% ही रखा जाएगा और सारी याचिकाओं की मुख्य सुनवाई हेतु अब 20 सितंबर तय की गई है। आपको ये भी बता दें कि हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को, कोर्ट ने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है। वो याचिका जिसमें आरक्षण अधिनियम को चुनौती दी गई है वो एक अलग कैटेगरी में है, वो याचिकाएं जिनमें 27% आरक्षण का समर्थन किया गया है उसे अलग कैटेगरी में रखा गया है, जबकि वो याचिकाएं जिनमें भर्ती विशेष को चुनौती दी गई है उन्हें अलग श्रेणी में, यानी कि अलग कैटेगरी में रखा गया है। बता दें कि ओबीसी आरक्षण के सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने ये फैसला किया है, जिससे कि जो सुनवाई है आगे की वो आसानी से हो सके। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट अब अंतरिम आदेश नहीं बल्कि सीधे अंतिम सुनवाई करेगा, जो कि अब 20 सितंबर को होगी। आपको यहां पर ये भी बताते चले कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण का फैसला किया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार की नीयत ही कभी भी 27% ओबीसी आरक्षण देने की नहीं थी, जबकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से नहीं रख रही है और इसीलिए ये प्रक्रिया जो है बार बार डिले हो रही है। वहीं इस बीच आपको ये भी बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन भी देखा गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।